दो दांत शर्त नहीं है, उम्र शर्त है। बकरा एक साल पूरा, एक दिन भी कम ना हो उम्र, चाहे दो दांत पूरे उसने अभी नहीं निकाले। कि बात सूरतों में बकरा दो दांत देर में निकालता है, यानी कि जो माहिरीन है उनके मुताबिक कि जो जानवर छुट्टे चरते हैं और वो पौधे वगैरह दांतों से उखेड़ उखेड़ के खाते हैं ना, इनके दांत जल्दी निकल आते हैं। ये साल भर से पहले भी दो दांत निकाल देगा बकरा, या कुर्बानी के लायक नहीं है, भले दो दांत निकाल दिए इसने। और जो बंधा बंधाया जो पकी पकाई रोटी खाता है, समझे, जैसे खींच खींच कर नहीं खाना पड़ता। ये फार्मी जो बकरे होते हैं इनको शायद खींच कर नहीं खाना पड़ता होगा, वो तो इनको तो फीड देते होंगे, क्या क्या चीजें ये खिलाते हैं शायद, वो जो भी मतलब, तो जो घरों में बंधे होते हैं जैसे खींच कर नहीं खाते, हम इनको चारा खिलाते हैं खरीद के। तो ऐसा जानवर जो है ये दांत देर में निकालता है, यानी साल भर में भी इसके दो पूरे नहीं होंगे, साल के ऊपर भी शायद एक दो महीने हो जाए तो फिर हो सकता है पूरे हो, जैसा उसका माहौल, जैसी नस्ल, जैसी उसमें ताकत। इसलिए वो दो दांत शर्त भी नहीं है, काफी भी नहीं है, बस ये कि बेचने वाला दयानतदार हो वो गारंटी दे कि ये साल भर का हो गया दो दांत। इसलिए मेरा तो अपना जहन है कि दो दांत का लेना नहीं चाहिए, चार दांत का लेना चाहिए। चार दांत का गोश्त भी अच्छा होता है और वो पूरा जानवर होता है। ये क्या, ये कंफर्म हो गया चार दांत वाला है बकरा, ये साल भर का तो है ही है, यूं तो चार दांत का दो साल का कहलाता है, लेकिन ये क्या साल का तो है, मतलब चाहे बंधा हुआ है कुछ भी है, चार दांत इसके साल से पहले नहीं निकलते, ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कुर्बानी के लायक है, जबकि और उसमें कोई खराबी ना हो। वो दुम्बे के बारे में अलग मसला है, या दुम्बे के बारे में लोग ये समझते हैं कि इसका छह महीने की कुर्बानी जायज है, तो छह महीने की कुर्बानी जायज होने के लिए भी शर्त है। छह महीने का है, सात महीने का है, छह से कम नहीं है, छह महीने का, सात महीने का, आठ महीने का है, लेकिन इतना तगड़ा है कि देखने में साल भर का मालूम होता है तो इसकी कुर्बानी जायज है। और अगर है दस महीने का दुम्बा और लगता मुन्ना मुन्ना है, बच्चा लगता है, तो कुर्बानी जायज नहीं है, फिर इसका भी साल पूरा होना चाहिए। साल पूरा कंफर्म हो गया, अब भले बच्चा लगता है, कुर्बानी जायज है।